गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड थर्ड या स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 4 सबट्रैक्शन। आपने इसको कम से कम 10 बार बोलना है सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन होता है घटाना, जिसको आप माइनस बोलते हो। सबट्रैक्शन मीन घटाना, माइनस बोलते हो। यू हैव 10 मैंगोज, आपके पास 10 आम है। यू गेव 5 टू योर सिस्टर और उसमें से 5 आपने अपनी दीदी को दे दिए। हाउ मैनी हैव यू लेफ्ट, तो आपके पास कितने बचे। देर आर 2 मैथड सोल्व द सबट्रैक्शन सम्स। आपने 10 है, 10 से एज ए काउंटिंग बैकवर्ड जाना। बैकवर्ड का मतलब होता है आपका पीछे की ओर जाना, तो एक तरीका ये वाला भी है। 10, 9, 8, 7, 6 और 5, और माइनस में से 10 में से 5 करते तो 5 आ गया। इसी प्रकार दूसरा मेथड, यदि विद्यार्थी अभी तक नहीं सीखे हैं, आपके पास 5 मैंगोज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और 2 आपने दीदी को दिया तो 2 आपने दिया, उनको काट दो, आपके पास कितने बच गए, 3। इसी प्रकार 9 बैलून हैं आपके पास, तो 9 आपने लाइन खींचनी है, उसमें से 4 आपने दीदी को दिया, 1, 2, 3, 4, लेफ्ट कितने हो गए, 5। 50 एज ए हम काउंटिंग बैकवर्ड जाएं कि उसमें से 5 माइनस करें, 49, 48, 47, 46 और 45 आंसर। एक लाइनिंग से भी आप निकाल सकते हैं, जैसे 13 माइनस 8, तो आपने एक लाइन स्केल से बनाया उस और उसके अंडरस्टूड है कि नंबर जैसे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 13 तक लेंगे और 13 से पीछे चलेंगे जहाँ 8 माइनस करते जाएंगे, तो आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा 5 आंसर आ जाएगा। नाउ एट योर बुक, यहाँ पर सम दे रखा है बेटे कि फर्स्ट वाला हम करते हैं 9,687 माइनस 9,145। सभी विद्यार्थियों को नंबर्स हाउस का ज्ञान होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। यानी कि यहाँ 7 है वो वंज है, 8 है वो टेंज है, 6 है वो 100 है, और आपका 9 है वो 1000 है। ये वाले जो हाउस हैं इनको हम बोलते हैं हाउसेज। सभी आप लोग भी घर में रहते हैं, हम भी घर में रहते हैं, तो मैथमेटिक्स के नंबर भी अपने घर में रहते हैं। अब आपने देखना कि बड़े वाली संख्या, ये वाले सम हैं आपके बड़े इजी हैं। आपके पास 7 है, फिंगर से भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 7 में से 5 गया तो 1, 2, 3, 4, 5 कितना बचा, अंडरस्टूड है यहाँ पर 2। 8 में से 4 गया, थर्ड वाले अच्छी तरह जानते हैं 4। 6 में से 1 गया, 5 मेथड मैंने दोनों तरीके। 9 में से 9 आपके पास 9 बैलून है, और 9 के 9 आपने बैलून अपनी दीदी को दे दिया तो आपके पास कितना बचा, 0। ये आपका आंसर है, बिल्कुल वेल तरीके से बॉक्स वाली नोटबुक में करना। एक और करा देता हूँ मैं, बोलना भी है साथ की 3,400, 5, 8 माइनस 1,000, 0, 100, इसको बोला जाता है 26। नाउ वही हाउसेस, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। 8 में से 6 गया, अंडरस्टूड है 2, 5 में से 2 गया, अंडरस्टूड है 3, 4 में से 0 घटाते हैं तो अंडरस्टूड है 4, और 3 में से 1 गया तो 2। ये आपका आंसर है, तो बड़े आराम से ये वाला पेज करना। कैरी वाले समय वो हम कल करेंगे, छोटे आपने 10 सम करने हैं आज, ज़्यादा नहीं देते। और तो समाल पहले आपने प्रैक्टिस के लिए छोटे सम, किसी विद्यार्थी को दिक्कत है 3, 4, -3, 3 यानी कि इसमें से 33 माइनस करेंगे तो 4 में से 3 गया 1 और 3 में से 0 गया तो हमारे पास 1 बचेंगे। इस प्रकार की प्रैक्टिस आप घर में जो भी सामान है, सपोज करो किचन में गए, आपने 5 सामान है
दस प्लेट है, दस में से पांच आप बाहर ले आए, तो आप अंदर बाहर भी कितनी, पांच प्लेट, किचन के अंदर देखेंगे पांच प्लेट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टेन प्लेट्स थी, उसमें फाइव आप खाने के लिए यूज़ करें तो किचन में कितनी रही, फाइव, ये हमारा आंसर है। इसी को सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों से आपने घर में भी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।